एक और वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में मैं टी बैग्स की पोल खोलने जा रहा हूँ। काफ़ी लोगों को बुरी लग सकती है बात। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, वो टी बैग्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं नॉर्मल चाय के मुकाबले, क्योंकि वो आसान होता है। पानी गर्म करा, इसको उसमें डाल दिया, आपकी चाय बन गई। ये जो ब्लैक टी आती है, जो नॉर्मल ब्रूक बॉन्ड की, ताजमहल की आप देखते हैं, वो भी इसी तरह दूध में डाल लिया गर्म, बन गई। तो इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये जो प्लास्टिक, ये काफ़ी लोगों को नहीं पता है इस बारे में, ये जो टी बैग है ये किस मटेरियल का होता है। कभी आपने सुना? ये प्लास्टिक का होता है, मजाक की बात नहीं है, आप खुद रिसर्च कर लो, गूगल करो जाके। ये जो मटेरियल है ये सिंथेटिक है, ये आपका कॉटन नहीं है। और एकदम आप जब इसे गर्म पानी में एकदम डुबोते हो तो ये एक इसके जो केमिकल्स है ये वो छोड़ता है, और वो केमिकल्स इतने खतरनाक होते हैं, उससे कैंसर होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूँ, कई बार जब मैं पानी थोड़ा ज़्यादा गर्म कर देता था इसको, क्योंकि ये ग्रीन टी है, सिर्फ हम गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा चाय पीने के बाद थोड़े कुछ घंटों तक गले में, और जो फूड पाइप है हमारा, पूरी जो नली होती है उसमें थोड़ी सी जलन महसूस होती थी, काफ़ी हल्की हल्की डकार सी आती थी। तो उसके बाद जब मैं कम गर्म पानी में डालता था इसको, तो मुझे वो नहीं आती। मैंने गूगल करा, फिर मुझे पता चला कि अच्छा, ये जो प्लास्टिक है ये कारण है। पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये प्लास्टिक है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। काफ़ी कंपनीज इस वीडियो को पसंद नहीं करेंगी, और वो आपको बताती भी नहीं है प्लास्टिक यूज़ कर रही कि नहीं। आप पूरा पैकेट ढंग से पढ़ लो, और इसके साथ ही साथ आप एक ये देखो, ये 1.4 ग्राम चाय की पत्ती है एक टी बैग में, जो कि बहुत कम है। अगर आप चाय बनाते हैं एक कप में कितनी डलती है, और ये कितने रुपए की हो गई जानते हो आप? 1 किलो का आप रेट लगाओ, 3,000 रुपये से ऊपर बैठ रही है, 3,000 रुपये किलो। दिमाग में बैठने दो थोड़ी देर इस फैक्ट को। ये जो चाय का ये छोटा सा पैकेट है, 25 टी बैग है, इसमें 3,500 ऑलमोस्ट 3,000 रुपये से ऊपर पर किलो में चाय बेच रहे हैं आपको। और वैसे कितने की आती है चाय? ये 3 गुना महंगी है जो नॉर्मल ग्रीन टी आती है उसके मुकाबले। तो नॉर्मल वाली जो आएगी वो आता है 250 ग्राम का पैकेट, 250 का ऑलमोस्ट 1,000 रुपये के आसपास का, और ये 3,000 रुपये से 1 किलो के ले रहे हैं आपसे सिर्फ। ये फैंसी पैकिंग में डाल देते हैं इनको, पैकिंग से इसका जो ऑक्सीडेशन होता है वो रुकता है, लेकिन उसके साथ ये और भी इसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। और अगर आप मेरी माने, टी बैग अगर आप ना इस्तेमाल करें, नॉर्मल चाय की पत्ती है आप उसको इस्तेमाल करो, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको चाय पीने को मना बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में। ये जो टी बैग है ना, इसको इस्तेमाल मत करो, इसको काट के इसकी जो पत्ती है वो डाल लो, और उसी तरीके से आप बना लो, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। किसी को अगर ऐसा महसूस हुआ है पीने के बाद, आपको कलेजे में जलन सी महसूस हुई है, तो ज़रूर मुझे कमेंट से बताओ, क्योंकि मुझे ये मैंने महसूस करा है, और ये बहुत ही ख़तरनाक है ये प्लास्टिक। अगर गर्म पानी में एकदम आप डालोगे, आप इमेजिन कर सकते हो कि कितने सारे केमिकल छोड़ेगा। ये जो इसका टी बैग का मटेरियल होता है, कुछ कंपनीज इस पे एपीक्लोरोहाइड्रिन नाम का एक केमिकल इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, उससे कैंसर होता है, और वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। अगर कैंसर नहीं भी करेगा तब भी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। टी बैग को जब आप चाय में डुबो लेते हो, बहुत सारे इसमें प्लास्टिक के पार्ट नैनो पार्टिकल्स पार्टिकल्स निकलते हैं, तो एक तरह से आप चाय का घोल पीने के बजाय प्लास्टिक का घोल पी रहे हो, जो कि बहुत खतरनाक है। टी बैग्स में ये भी कमी है कि ये अब भी स्टेपल पिंस लगा के देती है कंपनी, जबकि सरकार ने बैन कर रखी है, उसके बाद भी ये कंपनी जब भी इसमें स्टेपल पिन लगा के दे रही है। जो आप ग्रॉसरी शॉप से लोगे उसमें आपको स्टेपल पिन लग के नहीं आएगी, जो आप अमेजोन से लोगे उसमें आपको स्टेपल पिन लग के मिलेगी। आपको चेक कर लो मंगा के, आपको पता चल जाएगा। बड़ा वाला पैकेट मैंने अमेजोन से लिया था, तो इसलिए इसमें स्टेपल पिन लग के आई है। ये भी पॉइजनस है, कैंसर कॉज करती है, क्योंकि ये निकल के प्लेटिंग है इसके ऊपर, तो ये भी हार्मफुल है बहुत।